तो ये ईदी टाइम स्टार्ट हो गया है और ये सारिम की कौन सुखैना टीवी एक्टर ये टीवी एक्टर सुखैना की मम्मा है। तो ये चलाकियाँ देखो अब जब दस्तरखान पे क्या है क्या समोसा क्या क्या रोल और कोल्ड ड्रिंक आई है तो देखो कितनी जल्दी आके बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का पहला दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जो हूँ रमज़ानों में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, बस मसरूफियात थी कुछ, तो मैंने बोला ईद पे तो आप लोगों से मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने ईद का ब्लॉग फर्स्ट डे ही अपलोड कर रही हूँ। और मैंने ये देखें कुछ ऐसे मेहंदी लगाई है और क्या नाम है, आज का बस ईद का जो है, आज का जो ईद का दिन रहा वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा, क्योंकि सुबह ही उठे, फिर नमाज़ वग़ैरह से फारिग हुए, ये और सारी नमाज़ पढ़ने गए थे, नमाज़ पढ़ कर आए तो फिर कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान और नमाज से नाश्ता लेके सब कुछ कर आते हुए ये लोग आई थिंक 9:30 तक का टाइम हो गया था, ये लोग आए, फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, फिर बच्चे रेडी हुए, फिर दद्दू की तरफ गए अपनी, फिर वहाँ से आए, फिर मैं क्योंकि हम लोग से फिर दोबारा फिर मैं रेडी हुई, इतनी देर में बच्चे होके मिल मिला के आ गए थे, लेकिन फिर मैं रेडी हुई, ये रेडी हुए, फिर हम लोग सब अपने ससुराल गई, फिर वहाँ से हम लोग दिन का खाना वाना खा के निकले, और खुसूसी हमें खुसूसी हमें जाना भी था, क्योंकि इनके चचा की जो है अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले डेथ हुई थी, तो इसलिए वो पहली ईद भी थी, तो इस वजह से फिर हमें वहाँ शिरकत भी करनी थी, और वैसे भी ईद पे मैं ससुराल में ही जाती हूँ, तो ये वहाँ पे से हम लोगों ने शिरकत की, वहाँ गए तो मैं, लेकिन वहाँ की मैं ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि माहौल भी ऐसा था और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, और फिर अच्छा भी नहीं लगता, पुरसे के हिसाब से गए थे सब, और तो फिर उसके बाद वहाँ से फिर अम्मी की तरफ मैंने मूव कर लिया, हम लोग सब अम्मी की तरफ चले गए। और आज का जो व्लॉग है, आप लोग ये सोचेंगे कि ईद के व्लॉग में मेरे कोई भी मेकअप नहीं है, ये तो मैंने अभी थोड़ा सा किया था, इसके बाद जो मैं आपको घूमती फिरती भी नज़र आऊँगी तो उसमें मेरा कोई मेकअप नहीं हुआ हुआ, ईद का दिन है फिर भी, क्योंकि वो मैं बता रही हूँ ना, खाला की तरफ गए थे, इनके चाचा की तरफ गए थे, तो वहाँ पर मैं विदाउट मेकअप ही गई थी, सब ऐसे ही गए थे, तो इसलिए। और आज जो मैं आपको पता है कि सभी के साथ यही होता होगा कि चांद रात बहुत बिजी जाती होगी, तो इसी तरह हमारी भी, मेरी तो खैर बहुत ही टफ गई है, तो खैर आई आई थिंक 3:30 बजे थे ऐसे कुछ आए थे, और मैं फिर मुझे अपना 2-3 काम थे वो करना था, और जो आपको पता है कि शीर वीर सारी लेडीज से बनाती हैं, तो उन कामों में बिज़ी थी, तो मेरी तो समझ में सुबह ही हो गई, फिर ये लोग उसी में नमाज चले गए, तो मुझे एक तो नींद भी इतनी आ रही थी, ऊपर से मेरे चेहरे, मेरे नींद आती ना मेरे चेहरे पे स्वाइल हो जाती है, तो ये भी बात थी, और क्या नाम है, और विदाउट मेकअप मैंने आपको, आपके साथ पहला ईद का दिन ऐसा आपके साथ मैंने गुजारा है, तो मैं आपको बाकी की जो व्लॉगिंग है मैं आपको उसकी तरफ लेके चलती हूँ। तो जी जनाब, अब ये है कि मैं अम्मी की तरफ आई हूँ, मैंने आपको सुबह से अभी तक की अपनी रूटीन बताई, और अब मैं अम्मी की तरफ आई हूँ, जो बस अभी अभी मैं आई हूँ, तो अम्मी की एक फ्रेंड आई भी हैं जिसको आप लोगों ने मेरे पहले भी ब्लॉग में देखा ही है, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। और क्या क्या किया अभी तक आपने? बस वही सुबह उठे, नहाए धोए, नमाज पढ़ी, फिर अपना शीर कोरमा बनाया, कढ़ाई बनाई, बिरयानी बनाई, थोड़े से मेहमान अभी आए थे और थोड़े से शाम में आएंगे। और हम लोगों ने बताओ क्या, हम लोग अभी तक दावतें खा रहे हैं अब हम घर जाके बनाएंगे। पहले दिन कोई नहीं आता, पहले दिन हम घर पे वेट करते हैं, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर हम जाते हैं। अच्छा सही, तो ये है। और आंटी ने देखे, मैं आपको दिखाती हूँ कि आंटी ने कैसे ड्रेसिंग की है। तो आंटी ने लॉन का सूट पहना हुआ है, बड़ा प्यारा सा, और माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही हैं आंटी। और देखें आप, आंटी का कंगन मेरे हाथ में देखते ही मुझे याद आ गए जो मेरे हस्बैंड सुबह मेरे लिए लाए थे और मैं फ्रिज में रख के आ गई तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, घर जाके पहनूँगी। और आंटी आप लबे शीरी खाएं और बताएं कैसी है, जो अम्मी ने बनाई है आई थिंक।
मज़े किए। चलें भाई, आंटी को पसंद आ गई। और मैं अम्मी का सूट प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी के अम्मी अभी तक रेडी नहीं हुई थी, तो मैंने बोला बस अब अम्मी आप जल्दी से, मैं आपको सूट प्रेस करके देती हूँ, फिर आप जल्दी से रेडी हो जाएं, क्योंकि फिर सब का आना जाना शुरू हो जाता है। आंटी तो सबसे पहले आंटी आ गई, अम्मी की फ्रेंड, फिर उसके बाद मैं आई हूँ। और अब देखें भाईजान आने वाले हैं, तो वो कब तक पहुँचते हैं। 5 बजे का टाइम हो रहा है और अम्मी जो है दिन के 5 बजे का टाइम हो रहा है और अम्मी रेडी नहीं हुई थी, तो ये सीन है। और गर्मी भी आज जो है शदीद ही हो रही है। और देखिए मेरी आइस क्रीम इतने हल्के इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाई, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर क्या नाम है, चांद रात को बंदा सो नहीं पाता, और मुझे भी बहुत सारे काम थे, तो इस वजह से मैं बिज़ी थी, ऐसा रहा। और आंटी आप कहाँ जा रही हैं? जा रही हैं। अच्छा, तो अगर जा रहे हैं तो आपको बाल बनवाने? बिल्कुल, तो हमको बाल बनवाने हैं आपसे, तो मैंने छोटी जी। तो ये सुखैना खान की वालदा है माशाल्लाह से, जो हमने आज तक आप लोगों को नहीं बताया। आप बताएं आप कौन हैं? सुखैना की मम्मा। कौन सुखैना? टीवी एक्टर। ये टीवी एक्टर सुखैना की मम्मा हैं। तो मैं फिर ये मिलती हैं, ये अभी जा रही हैं, आती मिलती हैं, तो फिर हम इनके साथ पूरा ब्लॉग बनाते हैं, फिर मैं आपको इनकी भी दे लेती हूँ, ठीक है। जन से ईद मिल रही है और ये शान अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और शान कैसी गुजरी आपकी सो के? और भाईजान आपने सो के गुजारी है, कैसी गुजारी है? उठ के गुजारी है भाई, आपने पूरे बाल खराब कर लिए। जो है ईद एंजॉय कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप लोग? क्यों देख रहे हैं आप लोग? अपना खाने पीने पे फोकस करें, क्यों देख रहे हैं आप लोग? अच्छा चले आप खा लें, आप लोग स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह, मेरे बोलने पे स्टार्ट करेंगे। ये सब शीर खोरमा खा रहे हैं। वाह वाह, ये बैठ के ईद मिली जा रही है अहमद साहब से। ये इनका फेवरेट बच्चा है अहमद, है ना अहमद? क्या होता था मम्मी पहले? पहले जमाने में ना वो जो बच्चियाँ आती थी उसके देते थे, तो वैसा ही आई थी माशी, इतना अच्छा लगा मुझे, फिर मैंने उनको 50-50 दी थी, मैंने उनसे खुश होकर कह। चलें ये तो अच्छी बात है, आपने अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर ली। और ये सब यहाँ पर ये देखें, सब शीर खा रहे हैं। शान भाई जान चाय बाहर गया। और अम्मी आप नहीं ले रही हैं कुछ? क्या चाहिए आपको बताएं, मैं निकाल के देती हूँ। शीर खोरमा हानिया दत्तों के लिए शीर खोरमा निकालें। बिरयानी खाओ, बस बस हानी इतनी इतनी दे दें दत्तों दादी के लिए। मांग रहा है ना? नहीं 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 मांग रहा। ये ना आप ये ले लें हानिया एक। अच्छा चलो मैं इसमें आपके लिए दूध दिलवा देती हूँ थोड़ा सा भाई। इसमें जो है ले लूँ फिर, ये इसमें थोड़ा सा दूध डालना है, तो इसमें दूध डल रहा है जब तक। हो गया, दिखाओ कितना डाले। हाँ कम है, थोड़ा सा दूध। अम्मी दूध, अम्मी ना थोड़ी सी ना ज़्यादा दूध डाली देती हैं, वो वैसे भी दूध पी जाती है, थोड़ी देर तक इसको भी ये भी दूध पी जाएगी। हाँ दूध पी जाती है, ये मसला हो जाता है। चलो ठीक है ठीक है, तो ये अम्मी की इस तरह हो गई हैं। अब अम्मी देखें आपके लिए ये दूध सही है। अच्छा आपका आपकी हो गई पेट पूजा।
था वगैरह वो तो है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये सारे बाउल मेरे हैं, लेकिन मेरा बाउल जो है वो ये वाला है। और देखिए मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं आज बड़े दिनों बाद, और ये है कि मैं आप लोग भी ट्राई करें शीर। तो ये ईदी टाइम स्टार्ट हो गया है, और ये सारिम की ईदी है। रुक जाएं बहन की भी ले लें आप ही, सलाम तो कर लें मामा जानी को। अच्छा तो भाई जान ये ईदी बांट रहे हैं, और किसके पास रखवाएंगे, मम्मा के पास, अपने वॉलेट में रखेंगे। मैंने कैप्चर नहीं करा। अच्छा सही है, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मैं सबकी तरफ से ईद मुबारक। चले आओ, ये ईद मुबारक, आ जाएं भाई, इन लोगों की बारियां आ रही हैं। ईद मुबारक, एक मिनट, ये मेरी ईदी है, लाल लाल बहुत सारे नोट, और ये मेरी ईदी है, और ये देखो ये इनकी ईदी है, ये भी मैं ले लेती हूँ, जल्दी आ जाओ, क्या चलते थे दे दे मुझे दे दे, और ये शानी की ईदी है, और शानी जैसा वाला, और शानी की ईदी है, और अब किसकी ईदी बची, दादी की, दादी की बची है, चलें आपके बच्चों को ईदी सारिम बहन की है, बहन की भी ईदी ले लें, और ये अम्मी सबकी ईदी दे रही है, ये मेरी ईदी है, ये देखें ये मेरी ईदी यहाँ जमा है, सॉरी अस्सलाम वालेकुम अम्मी, चलो भाई ये इधर, ये बड़ी भाभी को ईदी मिल रही है, जोर से सलाम करें, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई अम्मी, भाई सलाम करें, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती रहो। तो ये ईदी बट, तो इस तरह ये ईदी बट रही है, ये देखें शान साहब दस्तखान पे, उनको लगा कुछ कम है तो वो समोसे वगैरह भी लेने गए थे जो अभी उस पे थे, सॉरी रोल। चले भाभी आपने कहा था ना नमकीन नहीं है, मैंने बोला नमक रख लें है, तो अब नमक की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए रोल आ गए, आ जाएँ आप जी। क्या हुआ, दो भाई अम्मी भी ले लें, चल रात को भी 50 रुपये ही थी, भाई 50 रुपये ही थी मिली है, ये लो 50 रुपये भाई, निशान हो गए 50 रुपये। ये रे भाई अम्मी ने इनको भी 50 रुपये ही दे दी, सही है भाई सही है। ये सबको ईदी मिल रही है, इस तरह ये मेरे नोट में नजर आ रहे हैं, और ये है दें जल्दी करें, तो ये ईदियाँ सबकी मिल गई, क्या लो चले भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, और ईदी सब हो गई है यहाँ पर, और ये सब इस तरह। अब दोबारा ये देखो, ये देखो भाभी की चलाकियाँ देखो बच्चों, हटो भाभी की चलाकियाँ देखो, अब जब दस्तखान पे क्या है, क्या समोसा, क्या क्या रोल, रोल और कोल्ड ड्रिंक आई है, तो देखो कितनी जल्दी आके बैठी है, और हाँ और अब मैं चलती हूँ ईदी देने की तरफ, तो ये हाँ ये ना भाई, ये छोटी भाभी है मेरी, वालेकुम अस्सलाम, हाय गरीबों का मजाक, हजार देंगे, जरा मेरे शौहर का बस टिकट होने दो, एमएलए का नहीं, वो तो छोटी बात है। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बाय बाय, लव यू।